बहुत कम समय बचाया जी। वैसे भी वक्त लगता है, कोई सर्वे करना बड़ा काम होता है। बिहार में करीब 1.5 साल लगा था सर्वे करने में, तो सर्वे करने का निर्णय किया हमने, वो बड़ी बात है ना। हमारी कांग्रेस पार्टी के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रस्ताव पार किया था रायपुर के अंदर, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और उसी ढंग से मैं समझता हूँ, राहुल गांधी जी आए थे जयपुर में, तभी उन्होंने भी कहा था, कर्नाटक के अंदर भी बात उठी थी, एक शुरुआत होगी, टाइम लगेगा, पर कम से कम हम चाहेंगे आर्थिक स्थिति मालूम पड़े परिवार की, तो जो स्कीमें बने भविष्य के अंदर, जैसे मैं बार बार कहता हूँ राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनना चाहिए देश के अंदर, एक्ट बन जाएगा, पर सोशल सिक्योरिटी किसको मिले, कैसे मालूम पड़ेगा। मैं बार बार केंद्र सरकार से मांग करता हूँ ना, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट पास करो। चार कानून बनाए थे मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने केंद्र में, राइट टू एजुकेशन, नरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट और राइट टू इन्फॉर्मेशन। पांचवा कानून बने राइट टू सोशल सिक्योरिटी। मान लो कानून बनेगा भी कभी, आज कल बनेगा, तो किसको लाभ मिले, किसको लाभ नहीं मिल पाए, या कौन एलिजिबल है, ये सब सर्वे हो जाएगा एक बार सब परिवारों का। तो जो मेरा सपना है कि दुनिया के मुल्कों की तरह देश के अंदर भी, जैसे राहुल गांधी ने कहा था 6,000 रूपये न्याय योजना, ये न्याय योजना ही है एक प्रकार से, हर परिवार का हक है जिंदा रहने का, जीवन चलाने का। कई परिवार की स्थिति बहुत खराब होती है, हमको आपको मालूम नहीं पड़ता। सर्वे हो जाएगा, कानून बन जाएगा, स्वतः ही बिना मांगे हुए सर्वे के आधार पर लोगों को इमदाद मिलने शुरू हो जाएगी। बहुत बड़ा काम है ये, वो करने जा रहे हैं। देखिए आदेश तो हो जाएगा, आदेश तो इमीडिएटली हो जाएंगे, जब मैंने कह दिया है तो निर्णय जल्दी आ जाएगा। उसके बाद में अगर कोड करने लागू भी होता है तो इसमें क्या दिक्कत आएगी, हम तो अच्छा काम ही कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक में बहस हो चुकी है, हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, बिहार गवर्नमेंट के पक्ष के अंदर आ गया है, तो वही मॉडल हम अपना रहे हैं। जो बिहार गवर्नमेंट ने किया है वही मॉडल जो है रास्ता में अडॉप्ट करेंगे। सर्वे होगा, ठीक है, सेंसस जो होता है जनगणना, वो भारत सरकार ही करा सकती है, वो राज्य सरकार करा नहीं सकती है। ये खाली सर्वे हो रहा है, परिवारों का सर्वे हो रहा है, आर्थिक स्थिति मालूम पड़ जाएगी साथ के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है और हमारी पार्टी का कमिटमेंट है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आपकी घोषणा से बीजेपी विचलित थी, कल ही रात को मीटिंग बुला ली कोर कमेटी की, करना क्या है इसके बाद? हमारी मीटिंग, हमारा अनाउंसमेंट होते ही वो मीटिंग बुला रहे, समझ जाओ कि हमारे निर्णय का कितना बड़ा महत्व है, आप समझ सकते हैं। तो वो तो हमारी हर निर्णय को लेके उनको आलोचना करने के शब्द नहीं मिल रहे हैं, जो सारे वर्ड होते हैं ना, सब नहीं मिल रहे हैं। तो वो कभी कभी लाल डायरी, कभी पीली डायरी, कभी काली डायरी की बातें करते हैं, इतने बुखला गए हैं वो अपने नेताओं को भी, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी को, नड्डा साहब को, यहाँ के नेताओं को ब्रीफ करना चाहिए उनको ढंग से, ये मुद्दे बनेंगे राजस्थान के अंदर, साहब इस बार बोलिएगा। हमेशा जो केंद्र नेता आता है पूरी ब्रीफिंग देता है स्थानीय नेताओं से, आज स्थिति ऐसी बन गई है स्थानीय नेता जो है इश्यू बताने की स्थिति में नहीं है केंद्र नेताओं को, ये स्थिति है। अब केंद्र नेता आते हैं तो फिर वो जो आरोप लगाते हमारे ऊपर, और महिलाओं में अत्याचार हो रहे हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, अरे इनको पूछो जहाँ सरकार आपकी है, मध्य प्रदेश में क्या क्या घटनाएं हो रही है, यूपी में क्या हो रहा है, पूछो उनको। हम तो बहुत सुखी हैं, मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, पर आज हमने मान लो कंपल्सरी कर दी FIR, NDA गवर्नमेंट और PM को चाहिए अपने राज्यों में, सरकार उनकी है, हमें तो कंपल्सरी करवा दे, फरियादी वो जाए थाने के अंदर FIR दौड़ तो हो। मीडिया भी इसको उस रूप में नहीं जगह दे पाया देश के अंदर हमारे फैसले को, FIR लॉन्च करना, लोग भगा देते थाने से, अच्छे अच्छे केसेज में
फरियादी दुखी हैं, पीड़ित हैं, सुनवाई नहीं होती है। हमने सिस्टम बदल दिया है, कंपल्सरी एफआईआर होना कैसे कहते हैं, पर देश की मीडिया ने भी और राजस्थान की मीडिया ने भी उस ढंग से बढ़ करके आगे आना चाहिए था, उनको आर्टिकल लिखने चाहिए थे, या तो हमारी आलोचना करते वो या स्वागत करते, दो तो बात होती है, कुछ ध्यान दे ही नहीं रहे उसके ऊपर। मैं उसको बड़ा क्रांतिकारी फैसला मानता हूँ, मेरी गवर्नमेंट का बहुत क्रांतिकारी फैसला ये है, हमारे यहाँ पर हर थाने में एफआईआर कंपल्सरी होगी, नहीं होगी तो एसपी का ऑफिस में होगी, ये बड़ा फैसला हमारा है। और इससे क्या हुआ, कई लोग कोर्ट जाते थे, एफआईआर मना करता था थानेदार, भगा देता था, उसके रास्ता बढ़ता है कोर्ट में जाने का। हमारे 56(3) के अंतर्गत आदेश लेके आता जांच करे पुलिस, आपको आश्चर्य होगा वो नहीं के बराबर हो गई है, दर्द होने लग गई, क्यों जाए कोर्ट के अंदर, क्यों पैसा खर्च करे। हमारे ऐसे क्रांतिकारी फैसले, हमारी सरकार का रिसर्च कोई करे हमारे फैसलों का, हमारे कानून में पास किए उसके बारे में, हमारी घोषणाओं के बारे में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जो पूरे हो गए हैं उसके बारे में, हमारी पॉलिसी के बारे में, हर सेक्टर में पॉलिसी बनाई है इंक्लूडिंग टूरिज्म। अब देखिएगा कंपेयर कर हमारी गवर्नेंस 5 साल की क्या रही है, क्या रही है। घर घर में खुशियां मना रहे लोग, राजस्थान का हर गांव, हर घर वो बेनिफिशियरी हमारे हैं स्कीमों से, किसी किसी रूप में 25 लाख का बीमा हो वो भी बेनिफिशियरी है। इलाज करना कितना महंगे इलाज है, 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 1 लाख, मामूली बारे 50,000 रूपये खर्च करना, सब फ्री हो गया। हम जानते कुछ कमियां भी होगी, दूर करेंगे उसको हम लोग। गजेंद्र सिंह कहते हैं कि माफी मांगिए तो मैं आगे उस पर कुछ करूंगा। गजेंद्र सिंह कहते हैं कि आप माफी मांगो सार्वजनिक तो मैं कुछ आगे करूंगा। माफी उसको मांगनी चाहिए 1.5 लाख लोगों से, उसके नाम के साथ में संजीवनी जुड़ गई, उनका 1.5 लाख लोग बर्बाद हो गए बेचारे, उनके परिवार के अंदर जो है क्या हालात है, आंखों मासू हमारे हालात है सुनते तक, क्या उनकी आंखों मासू नहीं आने चाहिए? गजेंद्र शेखावत साहब की आंखों मासू नहीं आने चाहिए क्या? डूब गए 1.5 लाख परिवार डूब गए हैं, घर घर की कहानी आप सुनेंगे, 1 लाख 50,000, 5 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 2 करोड़, 2.5 करोड़, क्या बीती होगी उनके ऊपर डूब के पैसे। तो उनके आंखों मासू आना जरूरी है, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? संवेदनशीलता होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री बना किसे कहते हैं? मैं खुद मंत्री रहा हूं तो मैं जानता हूं, ये तो बड़े मंत्री बने हैं, कैबिनेट मंत्री बने हैं, आगे आके मदद करनी चाहिए उनकी। मैं तो एक बार नहीं 25 बार मैं ही मांग सकता हूं, अगर वो आगे आके इन सब की मदद करे, पैसा दिलवा दे, मैं उनसे माफी मांग लूंगा अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो। मैंने वही कहा है जो कानून क्या कहता है। एज होम मिनिस्टर मेरे पास आए थे जो लोग मिलने के लिए, मैंने पता किया एसओजी से मालूम किया, एसओजी कह रहे सब मुलजिम है हमारे रिकॉर्ड के अंदर, तो मैं फिर क्या कहूं? ये तो मैंने कहा है। अब केस करना आप जानते हो, केस कोई कर सकता है, तो मैंने कोई उसी आलोचना भी नहीं करी, मैं इसी बहाने अगर बहस होगी, हो सकता है इनको खुद को दिमाग में आ जाए कि मैंने गलती कर दी है, मुझे आगे आना चाहिए, मुझसे बात करें वो।